Welcome to my channel Competitive Exam Warriors. Don't forget to subscribe to my channel and also don't forget to hit the bell button to stay updated to my latest notification. यहाँ आप लोग से डिस्कस करेंगे, आप देख भी पाएंगे स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है जो है फॉरेन एरिया बैंक्स वर्सेस लोकल एरिया बैंक्स एंड एज यूजुअल इट प्रेजेंट बाय मी दैट्स एजुकेटर शोविक मैत्र। तो चलिए, ये मेरा अचीवमेंट सेक्शन है, अगर आप लोग अभी तक ये नहीं देख पाए तो एक नज़र इस पर डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए। पर आगे बढ़ने से भैया कि आप अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, अगर नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा द अर्लीस्ट, और एक चीज़ है बेल बटन को दबा के पर्सोनाइज में जाके ऑल कर दीजिएगा, फिर आप लोगों को सब नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजना भूल जाता है। और मेरा टारगेट ऑडियंस है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे SSC है, बैंकिंग है, रेलवेज़ है, और ऑब्वियसली MPU इंश्योरेंस सब है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग अंडर आता है। और ये जो सीरीज़ चल रही है बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज, जिसको मैं बोलता हूँ बिट्स एंड बाइट्स ऑफ बैंकिंग। और मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर एग्जाम वॉरियर्स, अगर आप लोग अभी भी ये नहीं ज्वाइन कर पाए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, इजी प्रोसेस है। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और अगर एप्पल है तो iOS स्टोर से करके मेरे चैनल को सर्च करके प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप लोगों को सर्च करने में कोई भी दिक्कत आता है तो। और मेरा जो कोड है PLUSR4SP, ये यूज़ करके आप लोगों को भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा कोई भी आने का नहीं प्लास्टिफिकेशन कोर्स में, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कन्वीनियंटली किसी भी कैटेगरी में, UPSC हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, सब पे ये कोड एप्लीकेबल है। और आने का लर्निंग क्रेडिट्स यूज़ करके आप लोग और भी एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉरेन बैंक्स देख लेते हैं क्या चिड़िया का नाम है। एज ऑफ जनवरी 2018 यहाँ पे इंडिया पे 43 फॉरेन बैंक्स है फ्रॉम 36 कंट्रीज, बहुत सारे ब्रांचेस में ये लोग इंडिया में वर्क कर रहे हैं, और 46 बैंक्स है फ्रॉम 22 कंट्रीज ऑपरेटिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इन इंडिया। अभी जो मोस्ट ऑफ फॉरेन बैंक्स है ये हैविंग बिजनेस है, ट्रेड करने के लिए आते हैं, फिनेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जो मैं बाद में आप लोग अलग से टॉपिक में डिस्कस करूंगा, होलसेल लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ट्रेजरी सर्विसेज। हम अदर पॉलिसी गाइडलाइंस RBI में है टुवर्ड्स फॉरेन बैंक्स, जो आप लोग को जानना चाहिए, मतलब इतना ही आप लोग जानेंगे तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दे शुड हैव टू मीट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ 25 ट्रिलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना ही जानना है, नहीं तो सेटअप नहीं कर पाएंगे फॉरेन बैंक इंडिया में, ब्रांच नहीं खोल पाएंगे इंडिया में। मिनिमम CRAR जो कैपिटल रिस्क एसेट्स रेशियो है वो मेंटेन करना है 10%। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो फुलफिल करना है फॉरेन बैंक्स इंडिया में वो है 40%, और फर्दर फॉरेन बैंक्स हैव टू फॉलो दिस नॉर्म्स अदर नॉर्म्स एज सेटअप बाई RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी आप लोग फॉरेन बैंक अगर जो है कोई भी है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर, DS Bank, ये सब फॉरेन बैंक है, वो इंडिया में ब्रांच खोल पाएंगे तभी, नहीं तो नहीं खोल पाएंगे। HSBC ये सब बैंक है ना, तो ये लोग इंडिया में तभी ब्रांच खोल पाएंगे, ये सब क्राइटेरिया मीट करेंगे तभी, नहीं तो नहीं। अभी देख लेते हैं लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स जो अलग टाइप का है, ये एक्चुअली मेरा IBS क्लर्क, मैंने जो एग्जाम दिया था तब एक क्वेश्चन आया था लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर, इसलिए टॉपिक मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लोकल एरिया बैंक्स वे सेटअप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम अनाउंस कब हुआ था, अगस्त 1996 में। द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट वॉज टू सेटअप न्यू प्राइवेट लोकल बैंक्स विद जुरिस्डिक्शन ओवर 2 और 3 कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2 और 3 जो कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे लोकल एरिया बैंक खोला जाएगा, ये गवर्नमेंट का मेनली इंटेंशन था। ये लोकल एरिया बैंक क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि रूरल सेक्टर के लिए मेनली, RRB तो है ही, पर लोकल बैंक जो है मेनली रूरल सेविंग्स को, रूरल मोबिलाइज कर, उसको देखने के लिए बनाया गया था। लोकल इंस्टीट्यूशन जो थे रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे, और लोकल एरिया का जो पब्लिक है बैंक है, वहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट हो, पब्लिक आ पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए, वहाँ पे निवेश कर पाए, ये सब के लिए है, मतलब इन्वेस्ट कर पाए, जो सेविंग्स है आपको है। तो एक्चुअली क्या ना, कमर्शियल बैंक तो बहुत जगह रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो लोकल एरिया बैंक अगर ये सब अवेलेबल रहेंगे तो वहाँ पर जाके लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर चाहे तो लोन ले पाएंगे, ये सब के लिए लोकल एरिया बैंक का फॉर्मेशन हुआ। दस द ओवरऑल आइडिया वॉज टू ब्रिंग द गैप्स इन द क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन रूरल सेविंग RBIs, मतलब कि अर्बन एरिया में मेनली तो आप लोगों को कमर्शियल बैंक मिलता है, पर सेमी अर्बन एरिया आप लोग जाएंगे तो रूरल एरिया में जाएंगे तो आप लोग कमर्शियल बैंक नहीं मिलेगा, तो वही सब के लिए लोकल एरिया बैंक का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि फिर भी आप लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे, और मनी लेंडर जो है, सूदखोर जो है, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा उनमें लोन नहीं ले पाएगा, तो ये सब के लिए लोकल एरिया बैंक का फॉर्मेशन हुआ, जो 2-3 कंटिजुअस डिस्ट्रिक्ट मिला के होगा, मतलब 2-3 जिला मिला के एक लोकल बैंक होगा, जहाँ कस्टमर जाके वहाँ पैसा निवेश कर सकते हैं। अभी देख लीजिए कुछ सैलिन फीचर्स और लोकल एरिया बैंक का जो है, जो लोकल एरिया, हर लोकल एरिया बैंक को रजिस्टर्ड करना पड़ता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर किस एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग जानना चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956।
ये इन लोगों को रजिस्टर करना है। हावेवर ऑब्वियसली आरबीआई के जुरिस्डिक्शन गाइडलाइंस के अंडर आएगा, क्योंकि बैंक है और आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इन लोगों को लाइसेंसिंग दिया गया है। अभी मैं पहले ही बोला जो उनका जुरिस्डिक्शन रहता है, मतलब उनका जो एरिया है कंट्रोल का, वो रहता है 2 और 3 मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 कंट्रीज जिसके ऊपर उन लोग को होल्ड रहता है। अभी जैसे मान लीजिए पहले ही बोला तो स्टार्टअप कैपिटल जो होना है, पहले जो निवेश होना चाहिए मिनिमम लोकल एरिया में फॉर्मेशन के लिए, वो होना चाहिए 5 करोड़। इससे कम होगा तो आप लोग लोकल एरिया बैंक सेटअप नहीं कर पाएंगे। अभी लोकल एरिया बैंक के फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स गाइडलाइंस है, नहीं तो आरबीआई की उन लोगों को लाइसेंस देगी अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन 1949। सो लोकल एरिया बैंक सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अदर पॉलिसीज जो स्टिपुलेट कर आरबीआई में, टाइम टू टाइम आरबीआई ये सब नॉर्म्स चेंज करता है। ये सब गाइडलाइंस लोकल एरिया बैंक को फॉर्मेशन, लोकल एरिया बैंक के फॉर्मेशन के लिए तो करना ही है, लोकल एरिया बैंक को सर्वाइव करने के लिए भी ये सब पॉलिसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोकल एरिया बैंक सर्वाइव ही नहीं करेगा मार्केट में। अभी जो मैं पहले ही बोला सीआरआर के बारे में, जो मैं डिटेल में एक्सप्रेस करूंगा, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, तो अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि एक लोकल एरिया बैंक को सर्वाइव करने के लिए उसका सीआरआर रेशियो 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। अभी जनवरी 2018 के तहत अगर हम लोग देखिए, सिर्फ 3 लोकल एरिया बैंक लैब इंडिया में है विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन स्केड्यूल बैंक। स्केड्यूल बैंक कौन सा है? जो सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 मेंशन है वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो नहीं है वह नॉन स्केड्यूल बैंक जैसे लोकल एरिया बैंक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। 3 जो लोकल एरिया बैंक इंडिया में एज ऑफ जनवरी 2018, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1999। इस एरिया ऑपरेशन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है? वो है कृष्णा, गुंटूर एंड वेस्ट गोदावरी। इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, थोड़ा ही है तो याद रखना इजी होगा, नोट्स बना लीजिएगा और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा। कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 20 फरवरी 2001 विद एन एरिया ऑफ ऑपरेशन कॉम्प्राइजिंग 3 कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका मेनली है महबूब नगर आंध्र प्रदेश में, 3 इसका कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट है और हेडक्वार्टर ये तो हम मेंशन नहीं किया यहाँ पे, अगर आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ये आप लोगों का टास्क है आज का। और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर जो है, ये सबसे छोटा लोकल एरिया बैंक है, इसका सिर्फ 8 ब्रांच है और इसका हेड ऑफिस है कोल्हापुर में, जो हम मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। तो इसका हेडक्वार्टर से आप लोगों को बोलना है कृष्णा भूमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। तो चलिए ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक था जहाँ पे हम लोग अब छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं 5-6 मिनट का, क्योंकि आप लोगों को ईजी होगा फिर याद रखने के लिए, क्योंकि याद रखना तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं पढ़ाता जाऊँगा आप लोग भूलते जाएंगे, फिर तो एग्जाम के टाइम में कोई हेल्प होगा ही नहीं। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए फॉरेन एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स। तीसरे टॉपिक में हम डिस्कस किए आप लोगों के साथ स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक, और एक में हम डिस्कस किए टाइप्स ऑफ कार्ड्स, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, सब डिस्कस हो गया आप लोगों के साथ। कुछ कुछ टॉपिक हम छोड़ दिए, जैसे पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल क्या है, और एक चीज़ हम डिस्कस नहीं किए जो है कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट सीआरए का, ये सब के लिए हम अलग टॉपिक लेंगे। जैसे